तो आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी सारे 3D वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम पीयूष झा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 3D वेबसाइट कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे आप भी इसे बनाना सीख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो पहला वेबसाइट है वो वेबसाइट है प्लांट बेस्ड एग के ऊपर। तो उन्होंने काफी अच्छा एनिमेशन के जरिए, एक 3D डिजाइन के जरिए ये दिखाया है कि प्लांट से ये लोग एग कैसे बनाते हैं। चलिए इस पर एक नजर मारते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ है, जब मैं इसको स्क्रॉल करना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे एनिमेशन होगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल सा एक प्लेटफॉर्म, काफी सारे एग रखे हुए हैं। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे अभी देखोगे कितना अच्छा देखो एनिमेशन हो रहा है कि सारे जो अंडे हैं वो साइड में चले जा रहे हैं और एक अंडा यहाँ पे बीच में रह गया। और इसका इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट सबको भी रीड कर सकते हो। मैं तो थोड़ा जल्दी स्क्रॉल करता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से एनिमेशन दिख पाए, क्योंकि हमारे पास काफी और भी वेबसाइट है तो उतना टाइम नहीं हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं फास्ट स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पे अभी देख पाओगे आपकी स्क्रॉल करते जाने पे, यहाँ पे देखो ये अभी एक जो है वो जूम हो चुका है। अभी देखो ये इसमें अच्छा एनिमेशन हुआ कि ये एग से कुछ बीन्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा और एनिमेशन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। जो ये सारे एलिमेंट्स है वो 3D एलिमेंट्स है। वैसे ये बनाना तो टफ नहीं है, आप वेब फ्लो अगर आप यूज करते हो तो आप उसकी हेल्प से भी इसे बना सकते हो। लाइक लॉटिफाइल, अगर आपने नाम सुना है, अगर वेब फ्लो इस्तेमाल करते हो तो आप जानते होगे कि लॉटिफाइल क्या होता है, तो उसके हेल्प से भी आप ये बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें जो वो मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करूँ तो दोबारा जो इस चीज है वो रीअसेंबल हो जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं 3D वेबसाइट। अगर हम थोड़ा और नीचे जाए यहाँ पे, जहाँ आप देखो कितना अच्छा यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बीन्स आ गया है, इसका थोड़ा और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का एक एनिमेशन काफी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और साथ में आप यहाँ पे टेक्स्ट भी देख पा रहे हो कि जितना स्क्रॉल हो रहा है उसके इन्फॉर्मेशन के लिए काफी अच्छे यहाँ पे टेक्स्ट भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अभी एक अर्थ आ चुका है, ये भी एक 3D अर्थ है। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैं जूम डाउन यहाँ पे थोड़ा सा और डाउन कर चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो एक जूम इफेक्ट आएगा। और यहाँ पे दिखा रहा है कि जस्ट एक यूजेस, जस्ट कंपनी का नाम है, जस्ट एक यूजेस कितना लेस वाटर। देखो यहाँ पे थोड़ा जूम हो रहा है, 98% लेस वाटर्स। थोड़ा अगर हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखो एक जमीन का फोटो आया है। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा एनिमेशन है और इसमें जो जमीन है वो छोटा होता जा रहा है। और यहाँ पे क्या है देखो लिखा हुआ है, जस्ट एक यूज 83% लेस लैंड, यानी कि जो जस्ट कंपनी है वो जो एक बनाती है प्लांट बेस्ड, वो कितना कम पानी यूज करता है, कितना कम जमीन यूज करता है, तो वो यहाँ पे काफी अच्छे से इन्होंने शोकेस किया है। थोड़ा और भी नीचे आने पे आप काफी अच्छा और भी एनिमेशन सब देख पाओगे। और यहाँ पे आप कितना अच्छा, यहाँ पे देखो जो वीडियोज है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, और ये काफी अच्छा दिखने में लग रहा है। आप इस वेबसाइट को एक बार चेक कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो हमारा सेकेंड वेबसाइट है उसका नाम है fromscout.com। तो इस पे आके देखना, ये मुझे काफी अच्छा वेबसाइट लगा। तो यहाँ पे भी देखो आपको स्क्रीन पे सिर्फ एक ऐसे बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, पर खास बात यह है कि जब मैं अपना जो माउस है मेरा, मैं इसको इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये जो मेरे माउस के हिसाब से यहाँ पे देखो टिल्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये कितना अच्छा यहाँ पे टिल्ट हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो इसका इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मुझे दिख जाएगा। ओके, यहाँ मैं देखो कितना अच्छा इसका एक एनिमेशन है। दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो साइड पैनल है वो हट जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करने पर देखो ये ऊपर चला गया, नीचे से इसका दूसरा जो बॉक्स है वो आ चुका है। इस पर सेम है, प्लस करने पे यहाँ पे एक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगा। फिर दोबारा अगर मैं इस पर इमेज पे क्लिक कर दूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पर आपके सामने एक और बॉक्स आएगा, फिर एक और आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे 4-5 तो बॉक्स रखा हुआ है। और ये जो है एक किसको बोलते हैं लूप में कन्वर्ट किया कर दिया गया है कि अगर मैं इसको कितना भी स्क्रॉल करूँ तो ये एक ही एनिमेशन बार बार मेरे सामने आता रहेगा, तो ये कभी एंड नहीं होगा। इसको आप समझ सकते हो कि एक सर्कल बना हुआ है जिसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये घूम के वापस वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से ये काम कर रहा है। तो अभी देख पाओगे कि एनिमेशन काफी अच्छा लग रहा है। और अगर आप भी ऐसा वेबसाइट को बना सकते हो तो आप भी काफी अच्छा इनकम जनरेट कर पाओगे। लाइक अभी के टाइम में 3D वेबसाइट बनाना उतना टफ नहीं है। जैसे आप चाहो आप सोचोगे कि ऐसे बॉक्स बनाने के लिए, 3D बॉक्स बनाने के लिए हमको ब्लेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा, अभी के टाइम में काफी ऐसे टूल्स हैं जो कि जिससे कि आप बहुत ही इजीली बहुत ही कम टाइम में सीख पाओगे 3D डिजाइनिंग और बहुत ही अच्छा डिजाइन आप बना पाओगे। लाइक अगर आपने नाम सुना है स्प्लाइन का, तो एक ऐसा टूल है जिसको कि आप बिना पैसा दिए यूज कर सकते हो और उसमें काफी अच्छा 3D जो चीजें हैं वो आप बना पाओगे और उसको बहुत ही अच्छे से आप वेब फ्लो में या फिर फ्रेमर वेबसाइट बिल्डर में आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो और अच्छा खासा 3D वेबसाइट बना सकते हो।
अगर आपको इसको इसमें इसमें को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी आते हैं हमारे थर्ड वेबसाइट के ऊपर, जहां हम क्लिक करते हैं थर्ड वेबसाइट पे। तो ये हमारा एक वेबसाइट है, ये एक स्टोरी टेलिंग बुक का वेबसाइट डिजाइन किया हुआ है और जो कि काफी अच्छा एक मैसेज देता है। तो मैं आपको उतना मैसेज नहीं आऊंगा, बस आपको वेबसाइट का डिजाइन दिखाता हूँ कि कैसे बना हुआ है। यहाँ पे देखो एक बुक बना हुआ है, अगर इसमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरह एनिमेशन हुआ और यहाँ पे भी जो बुक है वो ओपन हो रहा है। तो एक काफी अच्छा बुक है जो कि टॉपिक है इसका हाउ टू टॉक टू व्हाइट किड्स अबाउट रेसिज्म, यानी कि हमारे जो रेसिज्म होता है अमेरिका सब में, तो उसका यही दिखा हुआ है कि हम लोग व्हाइट किड से कैसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इसका जो ये बुक का जो फॉर्मेट उन्होंने स्टोरी टेलिंग का निकाला है वो काफ़ी अच्छा है। ऐसे यहाँ पर माउस थोड़ा सा मूव करता हूँ तो आप अभी देख पाओगे कि थोड़ा सा यहाँ पर मूव हो रहा है। ओके, और इसी को अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अगर मैं इसे करूँ तो यहाँ पर देखो ये पूरा एक बुक है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये बुक के फॉर्मेट में ये रिएक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ से मैं बैक कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे इस पेज को पलटाना है या मैं इसको क्लिक करके भी पेज को चेंज कर सकता हूँ, पर ये करना में काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे बुक अपने बचपन में काफ़ी सारे इस्तेमाल किए होंगे, आपने देखा होगा या फिर सोचते आपके पास उतने खरीदने के पैसे नहीं होंगे पर आपने इसको देखा ज़रूर होगा, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और इसको यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे से इसको क्रिएट किया गया है, तो ये भी एक 3D चीज़ें हैं जो कि आप भी बनाना सीख सकते हो, क्योंकि किसी ने तो बनाया ही है। आप भी अगर रिसर्च करोगे कैसे बनता है तो आप भी इसे बहुत ही अच्छे से बनाना सीख जाओगे। जो हमारा फोर्थ वेबसाइट है द ईयर ऑफ ग्रेटा, तो एक स्टोरी है एनवायरनमेंट के ऊपर में। अगर आपको यह देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेबसाइट कितना अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पे देखो एक 3D मॉडल है और जब इसमें कुछ स्टोरी पर बता आ रहा है, अगर मैं यहाँ प्ले पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो इसमें जो कहानी है वो मुझे बताएगा और यहाँ पे काफी अच्छे एक एनिमेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक साउंड आ रहा है, अभी मैं इसको यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ, मुझे भी आपको आपसे बात करना है इसलिए। अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देखो क्लिक करते हैं एक्सप्लोर पे और यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखो ये एक एनिमेशन है, जब मैं इसको स्क्रॉल करना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे जो बॉक्सेस है वो उसका स्टोरी बता रहा है कि लाइक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जनवरी में क्या हुआ था। यहाँ पे देखो इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आ गया, देखो जनवरी में दूसरा वीडियो, थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो फरवरी यहाँ पे देखो आ गया है। तो आप स्क्रॉल करते जाओगे तो ऐसे जो वीडियोस है जो एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छे से आपके सामने आता जाएगा, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप ऐसा वेबसाइट बनाना सीख जाओगे तो आपको काफ़ी सारे क्लाइंट आएंगे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो अभी काफ़ी ट्रेंडी है। और यहाँ पे देख पाओगे कि जो मॉडल है वो भी जो स्टैचू है वो भी रोटेट हो रहा है और साथ में जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चारों तरफ से घूम के आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे कितना अच्छा एक एनिमेशन मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप इसको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये देखो कितना अच्छा इस वेबसाइट को बनाया गया है। तो हमारा आप आते हैं फिफ्थ वेबसाइट पे, जो कि काफी अच्छा है। ये हमारा फिफ्थ वेबसाइट है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड में जो देख पा रहे हो तो ये भी एक 3D चीजें लगा हुआ है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से ये देखने को मिले कैसे इसमें एनिमेशन क्या हुआ है। यहाँ पे देखो आप कि पीछे में एक वीडियो प्ले हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये 3D डिजाइन से बनाया हुआ है तो ऐसा नहीं है, ये एक वीडियो है, नॉर्मल वीडियो, और इसको यहाँ पे बैकग्राउंड में प्ले कर दिया गया, जो कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट में इजीली कर सकते हो। बट इसको इतना अच्छे से बनाया गया है कि ये लग रहा है कि ये रियल में 3D चीजें जो है वो बैकग्राउंड में एनिमेट हो रही है। थोड़ा तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको और भी चीजें जो है वहां पे देखो दिख रहा है कि कॉइन सब घूम रहा है, तो ऐसे आपको 3D इफेक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बस एक वीडियोस है, इसमें कोई 3D इंटरेक्शन नहीं है, पर ये भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो एक होवर एनिमेशन है वो काफी अच्छा इसमें लगा गया है और इसको आप वेबफ्लो में काफी इजीली बना सकते हो। आई थिंक फ्रेमर भी बना पाओगे, लेकिन मैं वेबफ्लो इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे मालूम है कि ये वेबफ्लो में काफी इजीली बनता है। ओके, उसको यहाँ पे देखो और भी काफी सारी यहाँ पे चीजें लगी हुई हैं, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमारा जो सिक्स्थ वेबसाइट है वो है फिनसुइट का, तो फिनसुइट काफ़ी अच्छा कंपनी है जो कि वेबफ्लो के साथ मिलकर काफ़ी सारी चीज़ें निकालते हैं, तो इनकी जो वेबसाइट है वो काफ़ी मुझे पसंद आया। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये कैसा वेबसाइट है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो भी लोड हो रहा है अभी देखो, यहाँ पे देखो एक जो एक टाइगर जो है वो वॉक कर रहा है। आपको इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा होगा, आप बोलोगे कि ये तो नॉर्मल सा है, वीडियो लगा देंगे बैकग्राउंड में तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने माउस को यहाँ पे मूव करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो लायन है वो जो टाइगर है वो भी हमारे माउस की तरफ देख रहा है। यहाँ पे मैं माउस लेके जाऊँगा वो उस तरफ देखेगा, अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे करूँगा तो यहाँ पे हर तरफ ये जूम करेगा
और ऊपर करने पे यहाँ पे देखोगे तो आपको नीचे करने पे अर्थ भी बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो तो अर्थ भी ऊपर नीचे हमारे माउस की तरफ से हो रहा है, जो काफी अच्छा यहाँ पे देखने को लग रहा है। अगर मैं ऊपर में होवर करूँ किसी भी मेन्यू पे तो अभी देखोगे ये दहाड़ेगा, देखा? तो ये काफी अच्छा चीज है एक तो जिसमें इसमें डिक्रेट किया गया है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। पर इसमें और जो खास बात है कि ऊपर में और भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैं इन चारों में से किसी पे होवर करूँ, लाइक मैं करता हूँ पुरेट पे होवर, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे पहले टाइगर था, अभी यहाँ पे एलिफेंट है, वो भी सेम। यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो मेरा माउस है उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है। अगर मैं होवर करूँ फिर से पुरेट पे तो ये कुछ इतना कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहा है, बट देखते हैं। हाँ, तो इसमें उतना कुछ खास रिएक्शन नहीं है बट काफी अच्छा है। कम्युनिटी में होवर करने पे यहाँ पे आपको एक डॉल्फिन मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि नॉर्मली ये भी फ्लोट कर रहा है, पर कम्युनिटी में होवर करने पे ये मूव कर रहा है काफी अच्छे से। तो ये काफी अच्छा वेबसाइट बनाया गया है। और यहाँ पे कंपनी में होवर करने पे यहाँ पे आपको एक जेब्रा मिलता है, आई थिंक हॉर्स है ना क्या पता नहीं, लेकिन काफी इसका भी एनिमेशन देखो यहाँ पे काफी अच्छा है, जो माउस मूव करने से ये यहाँ पे मूव हो रहा है। ओके, इस कारण अगर आपको और भी जानना है तो यहाँ पे एजेंसी क्लिक करके आ जाओगे डेवलपमेंट में, तो आपको इन सारे पेजेस में अलग अलग तरह के जो एनिमेशन है 3D का वो आपको मिल जाएगा। लाइक इस पेज में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे ग्रिड यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको जो भी हमारे माउस के से देखो अपना फेस को जो है वो रोटेट कर रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एनिमेशन है। तो अभी आते हैं हमारे लास्ट वेबसाइट पे, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। आपको ये देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा कि ऐसे वेबसाइट भी आप बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा सीखने में टाइम लेता है बट आप एब्सोल्युटली इसको बना पाओगे अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे। तो यहाँ पे आते हैं हम 7 वेबसाइट पे। देखो ये एक वेबसाइट है, इसको मैं करता हूँ रीलोड, और ये वेबसाइट मुझे अभी तक सबसे बेस्ट 3D वेबसाइट लगा है। इसमें उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है पर 3D इफेक्ट इसमें बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी आप देख पाओगे तो आपको भी बोलोगे कि हाँ ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। और ऐसे आपको भी मन करेगा कि ऐसे वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो, आपको भी सीखने का बहुत मन करेगा। मुझे भी नहीं आता अभी कि कैसे बनता है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि ऐसा कैसे बना सकते हैं। पर अभी तक मैंने जब कुछ इतना वेबसाइट दिखाया वो सारे वेबफ्लो में मैं बना सकता हूँ, पर ये जो वेबसाइट है वो ये वेबसाइट में बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मुझे आपको इसका नॉलेज नहीं है। यहाँ पर देखो ये हमारा वेबसाइट खुल चुका है। अगर यहाँ पर मैं स्क्रॉल करना स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी देख पाओगे कि ये जो पूरा इन्वायरमेंट है, पूरा जंगल जो है वो मूव कर रहा है मेरे स्क्रॉल ग्राफ से। अगर देखो मैं यहाँ पे स्क्रॉल अभी करना बंद कर दिया हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ, मैं स्क्रॉल अब देखा स्क्रॉल डाउन करके वापस हमें वहीं शुरू हो गया। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे देखो जो ये है ये मूव हो रहा है, यहाँ पे देखो पूरा जंगल यहाँ पे मूव हो रहा है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक देखो एक वेव भी आ गया, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है कि अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई सरप्राइज है हमारे लिए। तो हम मूव करते हैं तो अभी यहाँ पे हम देख पाओगे कि यहाँ पे एक टी शर्ट है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखो साउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लिक करने पे एक साउंड इफेक्ट हमारे पास आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा फील दे रहा है। यहाँ पे साउंड पे क्लिक करके इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, तो हम इसको अभी ऑफ करते हैं। और हम यहाँ पे अगर ड्रैग करेंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो एनिमेशन आगे बढ़ रहा है, और ऊपर की तरफ अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको वापस रिवर्स में आप चले जाओगे। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखो यहाँ पे आप काफ़ी यहाँ पे देखो अभी सेकंड नंबर पे जो कोई प्रोडक्ट आने वाला है, स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे देखो एक जो है स्नीकर्स का हमारे पास आया है। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू ऑल प्रोडक्ट तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये रियल कंपनी है ना क्या है पता नहीं, पर काफ़ी जो इनका वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। यहाँ हम थोड़ा सा और डाउन जाते हैं तो अभी यहाँ पे देख पाओगे कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे पूरी जो इन्वायरमेंट है वो बनाया गया है। अब अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको लगेगा कि आप जंगल में घूम रहे हो, फिर आपको नया चीज़ आप एक सामने आती आ रहा है तो वैसा एक फील देता है, पर ये काफ़ी अच्छा है। जिसने भी बनाया है काफ़ी इसका मेहनत लगा होगा, पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है जो कि इसमें एनिमेशन में आप देख पा रहे होगे। तो आप इन सभी वेबसाइट को आप खुद से चेकआउट कर सकते हो, आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट टू देखना है तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो, और आपको जानना है कि आप 3D वेबसाइट खुद से कैसे बना सकते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सारे इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा ताकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने किसी वेब डेवलपर के साथ, वेब डिजाइनर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानने को मिले। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।